न्यूज हेडलाइन के लिए ताबून किया है। जर्म्स को तुम न स्प्रेड करो, वॉश करो, प्रोटेक्स करो। प्रोटेक्स? हाँ चाचू, प्रोटेक्स करो, वॉश करो, वॉश करो, प्रोटेक्स करो, प्रोटेक्स करो, वॉश करो, वॉश करो, प्रोटेक्स करो। प्रोटेक्शन का नया नाम प्रोटेक्स, वॉश करो, प्रोटेक्स करो। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर पैनल्स में एक और इजाफा। जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आमिर अब्बास बलोच, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्ता का ऑपरेशन, हर्निया, पेट की रसोलियां, छाती की सर्जरी, मेदा और आंतों की सर्जरी, शुगर के मरीजों के जख्मों का इलाज, पेट की तमाम सर्जरी बजरिया लेप्रोस्कोपिक कैमरा की जाती है। रिच फॉर वुमेन, चांदनी चौक, ब्लॉक नंबर 21, सरगोधा। सरगोधा के पंजाबियों की शान, आपका जाना पहचाना नाम महर चाचू लस्सी हाउस, अपनी साबिका क्वालिटी और रवायात को बरकरार रखते हुए एक और मुनफरिद जायका का आगाज नई सज धज के साथ अब पेश है महर चाचू लस्सी हाउस। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा, अब बड़ों की इंतहाई निगहदाश्त की सहूलत के साथ साथ बच्चों के लिए भी इंटरनेशनल मियार की जदीद आलात से मुजय्या नर्सरी, जिसमें वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर और वार्मर की सहूलत मौजूद। तजर्बाकार और माहिर डॉक्टर की जेर निगरानी 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत, PICU, NICU और HDU वार्ड का कयाम, ब्लड बैंक और खून की मुंतकली की सहूलत भी मौजूद है। खान फैंसी लाइट एंड सोलर एनर्जी, ब्लॉक नंबर 5, सरगोधा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बकर खान, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइन। कोरोना से 24 घंटे में मजीद 41 अफराद की जान चली गई, 4525 नए केसेस रिपोर्ट, कोरोना मस्बत केसेस की शरह 11.20 रही, एक्टिव केसेस 40,000 से जायद हो गए। वबा का शिकार कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजिंग के चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद शौकत की ICU में आवाम से अपील। के लिए अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें, मास्क पहनें, चीज़ों का ध्यान करें। हम कोशिश करने के बावजूद कहीं ना कहीं गलती खा गए, कोई हमसे कोताही हुई, जिसकी सजा में पिछले 15 दिन से अस्पताल की ICU में पड़ा। पंजाब में सूरत हाल बदतरीन, लाहौर के बेशतर अस्पतालों में वेंटिलेटर खाली ना बचा, SOP की खिलाफ वर्जी पर 83 मुकदमा दर्ज। कोई निजी स्कूल बंदिश के दौरान साथ को नहीं बुला सकता, 11 अप्रैल तक तलबा के साथ टीचर्स की भी छुट्टी होगी, असातिज़ा को बुलाने पर स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर के जिले इंतजामिया ने भी स्कूल के मालिकान और प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर दिया। कोरोना से शदीद मुतासर इलाकों में 15 अप्रैल से शादियों और तकरीबात पर पाबंदी होगी, NCOC ने फैसला कर लिया, आज NCOC का अहम इजलास दोबारा होगा। मुतासर इलाकों में खुसूसन पंजाब में लॉकडाउन सख्त करने पर मशावरत होगी, सूबों की राय से ट्रांसपोर्ट बंदिश का फैसला भी किया जाएगा। इस साल दुनिया भर के मुसलमान रमजानुल मुबारक में उमरा अदा कर सकेंगे, सऊदी हुकाम ने सख्त SOPs का ऐलान कर दिया। मुतवाफ में नमाज की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ तवाफ किया जा सकेगा, नमाज और नफल इबादत बैरूनी सहन, छत और पहली मंजिल पर अदा की जा सकेगी, खाना काबा और हिजरे अस्वद को छूने की इजाजत नहीं होगी। खैरपुर में मेहरान हाईवे पर मुसाफिर वैन ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, 4 बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक, 1 बच्चा शदीद जख्मी, सब एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे, वैन ड्राइवर मौका से फरार हो गया, मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। कराची से हैदराबाद जाने वाली मोटर वैन 9 पर वैन उलट गई, 6 साल बच्ची समेत 2 अफराद जान बहक, 10 मुसाफिर जख्मी हो गए, हादसे का शिकार खानदान सखर जा रहा था।
आमदन से जायद सासों का केस, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर रुसान को नैब की क्लीन चिट मिल गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने सिंध हाई कोर्ट को बता दिया कि इंक्वायरी खत्म की जा रही है। मंजूर रुसान ने एक और ख्वाब देख लिया। 23 में तो बिल्कुल ये है मेरा ख्याल कि बिलावली प्राइम मिनिस्टर बने। 2023 जाना है, एक साल पहले टेन्योर से, एक साल पहले या 12 या 10। जमात इस्लामी की रैली ने गवर्नर हाउस के करीब धरना भी दिया। कराची वालों को सही गिनती का मुतालबा किया। हाफिज इमर रहमान कहते हैं पीटीआई और एमक्यूएम ने मिलकर मर्दमशुमारी को मुनक्किद करवाया। और बोले कराची 12 मुल्कों से बड़ा शहर है लेकिन पासपोर्ट का निजाम दरम भरम है। रमजानुल मुबारक में वजीर आला हाउस के बाहर धरने का इशारा भी किया। अपना घर सस्ता घर लोग जो किराया देते हैं वही किस्त बन जाए, इन्हें अपना घर मिल जाए। वजीर आजम इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर खिताब। गवर्नर स्टेट बैंक और सदर नेशनल बैंक लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की हदायत। मुल्क भर में इस्तादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीम को कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल करने की हदायत। निजात की रात यानी शब्बे बरात आज मनाई जाएगी। फजीलत वाली रात के लिए इबादत का एहतमाम। कब्रिस्तानों की सफाई हो गई। लोग अपने प्यारों की कब्र पर फातिहा खानी के लिए जाएंगे और गुलाब की पत्तियों की फरोख्त में भी इजाफा हो गया। कंदकोट पुलिस का ऑपरेशन छठे रोज भी जारी। कच्चे के इलाके में मुकाबला, एक डाकू हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। हलाक डाकू की शनाख्त रियाज के नाम से हुई। डाकू अगवा रायता वान कत्ल और दीगर मुकदमात में मतलूब था। स्विस कैनाल में फंसा जहाज एक हफ्ते बाद निकल गया। अरबों डॉलर की आलमी समुद्री तिजारत बहाल हो गई। अमरीका में डकैती के दौरान पाकिस्तानी ड्राइवर का कत्ल। मोहम्मद अनवर ने मुजाहमत की कि लड़कियों ने गाड़ी दौड़ा दी और खौफनाक हादसा हो गया। अमरीकी अदालत ने दोनों खवातीन मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। पाकिस्तानी ड्राइवर के वर्सा को मदद के लिए $4,00,000 की इमदाद जमा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वापसी के बाद भी बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहरे। कम अज कम 10 मुजाहरीन जहां बहक, मुतअद्दिद जख्मी। इंडोनेशिया के इलाके मगरबी जावा की आई रिफाइनरी में होलनाक धमाका, कई लोग जख्मी। सैकड़ों अफराद ने इलाका खाली कर दिया। आजाद कश्मीर में एक मरतबा फिर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। जाती सर्दी लौट आई। शदीद बारिशों से दरियाओं नदी खालों में पानी बहाव में इजाफा हो गया। जनूबी अफ्रीका को उसके मैदानों में जेर करने का मिशन। सेंचुरियन में शाहीनों की प्रैक्टिस, फिजिकल ट्रेनिंग पर जोर। मिसबाहुल हक ने खिलाड़ियों को लेक्चर दिया। ग्रीन शर्ट्स और जनूबी अफ्रीका में पहला वनडे 2 अप्रैल को खेला जाएगा। पाकिस्तान के बैटिंग कोच यूनस खान ने जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फिशिंग में अपनी महारत दिखाई। कैटफिश को पकड़ने में कामयाब और फिर वापिस पानी में छोड़ दी। लाहौर में हिंदू बरादरी ने अपना त्योहार होली मनाया। एक दूसरे को रंग लगाए और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले और खुशियां मनाई।